हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। हम बात करेंगे 2020 रिजल्ट के बारे में, बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा और आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, और इस बार जो रिजल्ट में क्या बदलाव हुआ है वो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इन तीनों जानकारी सही से पता चल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन जिन लोगों का भी इस बार हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा थी, तो उन लोगों को मैं सबसे पहले बधाइयाँ देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि उन लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, तो और आपका और सारे आपके दोस्तों का भी रिजल्ट अच्छा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, बस यही करना है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो है आपका 27 जून को आएगा। 27 जून को आपका 12:30 बजे के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लगभग 1 से 2 के बीच में आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि सर्वर थोड़ा बिजी हो जाता है तो 12:30 बजे आपका रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। तो आप लोग 1 बजे के बाद अपना रिजल्ट चेक करिएगा। तो 27 जून को आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का रिजल्ट आएगा। तो इस बार के रिजल्ट में बदलाव क्या हुए हैं, तो देखिए, जब ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट आती है उसमें जो मदर्स एंड फादर्स नेम लिखे होते हैं वो पहले क्या होते थे कि इंग्लिश से लिखे होते थे। अब इस बार का जो बदलाव हुआ है वो आपके माता और पिता का नाम हिंदी में दिखाई देगा। तो यही है बदलाव। अब बात करते हैं आपको रिजल्ट कैसे चेक करना होगा। तो सबसे पहले आपको किसी ब्राउज़र पे जाना होगा। तो यहाँ पे आपको गूगल पे टाइप करना है यूपी बोर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको किस इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, इसको आपको सर्च कर देना है। तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिजल्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परीक्षा वर्ष पे यहाँ पे क्लिक करना है और रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19, 18, 17, 16, 15 का अभी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 20 का आपको 27 तारीख को आपका यहाँ पे 2020 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किसी ईयर का हम रिजल्ट चेक करते हैं, 2015 का मान लीजिए हम चेक करते हैं, और यहाँ पे हम कोई रूल नंबर डाल लेते हैं। ये रूल नंबर डाल के हम व्यू रिजल्ट पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आपके खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रिजल्ट 5 है। अगर आपका 5 फेल जो भी हैं तो आपको यहाँ पे लिखा होगा, और ये आपके मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐड कर सकते हैं। इंटर में जो आपका रिजल्ट दिखाएगा यहाँ पे आपका टोटल मार्क लिख दिया जाएगा, और हाई स्कूल में क्या होता है आपको ऐड करना होता है अपने से। तो ये थी तीनों इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब करके काला कर दें उसके, और बगल में घंटी वाली बटन को प्रेस कर दें कि ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।